गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न सर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू एंड हियर कम्स विद योर न्यू टॉपिक ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस दैट इज इंटरनेट सर्विस. ओके, सो बेसिकली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑफ द चैप्टर इज नेटिक्यूट्स, बट देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ नेटिक्यूट्स लाइक जनरल नेटिक्यूट्स एंड आफ्टर दैट दिस ईमेल नेटिक्यूट्स एंड दैट वन मोर दैट इज सोशल नेटवर्किंग नेटिक्यूट्स. ओके, सो दीज आर द थ्री नेटिक्यूट्स बाई विच यू कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू ओवर देयर रूल्स एंड आफ्टर दैट यू कैन बी अ गुड सिटीजन ओवर इंटरनेट. ओके, सो मीन्स इफ यू फॉलो दीज स्टेप सॉरी नॉट द स्टेप्स इफ यू फॉलो दीज रूल्स वैन यू आर ऑनलाइन ओवर इंटरनेट यू माइट बी अ गुड सिटीजन. ओके, सो वाट इज basically a person who is using internet and having a good manner over online when he is using internet is called a netizen. okay, netizens. इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं एक extra topic बता रहा हूँ जो आपकी book में नहीं है, या हो सकता है शायद अगली साल book में आ जाए या ना आए, but मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट का यूज़ करता है, ऑनलाइन रहता है इंटरनेट पर, और ऑनलाइन रहकर भी वह अच्छी तरह से सबसे बात करता है, ठीक है, बिना किसी की परमिशन कोई चीज़ शेयर या पोस्ट नहीं करता है, मतलब कुल मिला के वह एक गुड बहुत अच्छा सिटीजन है. तो उसको ऐसे सिटीजन को जो नेट यूज़ कर रहा है और वह बहुत अच्छा है, इन दैट कंडीशन उसको नेटिजन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नेटिजन. ओके, तो यहाँ पर अब दिया गया है ईमेल नेटिक्यूट्स, तो ईमेल नेटिक्यूट्स के बारे में जानेंगे. लेकिन जानने से पहले मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करें, इसके साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ताकि वो भी इस प्रकार के टॉपिक्स के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें. तो चलिए शुरू करते हैं ईमेल नेटिक्यूट्स से. ईमेल इज कंसीडर एज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फॉलोइंग गाइडलाइन वाइल यूजिंग द ईमेल. यानी कि जब आप कहीं पर काम करते हैं, जैसे सपोज मैं स्कूल में टीचर हूँ, ठीक है, कोई और व्यक्ति जो होगा वो इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा या अदर फर्म में काम कर रहा होगा, तो जो व्यक्ति जहाँ पर भी काम करता है वहाँ पर ईमेल की बहुत खासी ज़रूरत होती है. सपोज कि अगर मुझे कुछ सपोज़ जैसे एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मुझे एनुअल एग्ज़ामिनेशन के मुझे पेपर सेंड करने होंगे, ठीक है, पेपर मैंने टाइप कर लिए, अब टाइप करने के बाद मुझे क्या करना होता है, उनको सेंड करना होता है. या फिर दो तरीके हैं, या तो मैं उनको पेन ड्राइव में स्टोर करके जो है कंप्यूटर वाले सर को दे दूँ, या फिर मैं उनको ईमेल में अटैच करके डायरेक्ट स्कूल की जीमेल आईडी पर सेंड कर दूँ. तो ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए मैं ये एनुअल एग्ज़ामिनेशन के जो पेपर है वो सेंड कर सकता हूँ. तो यहाँ पर बेस्ट तरीका ये, अब देखो अगर मान लो मुझे दो तीन दिन की छुट्टी लेनी है, मुझे स्कूल नहीं आना किसी कारण से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर अपने ईमेल का यूज़ करके उन क्वेश्चन पेपर्स को अटैच करके सिस्टर के पास सेंड कर सकता हूँ, ठीक है. तो ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है. इवन अगर स्कूल को भी ज़रूरत होगी, मतलब सपोज द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन पेपर इज टुडे, मान लो सपोज आज ही एनुअल एग्जामिनेशन पेपर की सबमिट करने की आखिरी डेट है, तो इन दैट कंडीशन वो पेपर जो आज की डेट में सबमिट होना है और चूँकि मैं यहाँ नहीं हूँ तो सिस्टर भी मुझको मैसेज एक मेल डालेंगी कि हरी अप यू हैव टू सबमिट ऑल द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल द क्लासेस इन विच यू आर टीचिंग. तो मैं जिन जिन क्लासों में मैं पढ़ा रहा हूँ उन क्लासों का मुझे पेपर सिस्टर को भेजना पड़ेगा. अब चूँकि मैं छुट्टी पर हूँ ये बात सिस्टर को भी पता है, मुझे भी पता है, बट स्टिल
ज़रूरत तो ज़रूरत है, तो वहाँ पर ज़रूरत को कौन पूरा करता है? ईमेल यूज़, ईमेल पूरा करता है। तो ये जो बातचीत हो रही है ये किसके थ्रू हो रही है? ईमेल के थ्रू। तो ईमेल इज़ द कॉमन वे बाय विच ऑल द एम्प्लॉयज़ और ऑल द वर्कर्स आर जस्ट सिंपली गेट कनेक्टेड विद द फर्म और द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ईमेल। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या है? यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, आपको देख लो, समझ लो उसको अच्छे से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन में दिया गया यूज़ प्रिसाइज एंड ब्रीफ सब्जेक्ट लाइन विच कैरीज द मेन आइडिया एंड द मोटिव बिहाइंड द ईमेल। यानी जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें आपको वह चीज़ वह बातें लिखनी होती हैं ताकि इससे पता, सब्जेक्ट मतलब होता क्या है? विषय, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? कंप्यूटर। तो अब कंप्यूटर में मुझे कंप्यूटर के अंदर के लेसन बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि अगर यह आदमी कंप्यूटर पढ़ाता है दैट मीन्स इसको MS ऑफिस के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में भी एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर है या कोई बुक वह पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिनोट करती है दैट मीन्स उसको उसके बुक के कवर से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या मटेरियल होने वाला है। अब साइंस की बुक में हिंदी तो मिलेगी नहीं, बताइए अगर ऐसा हो कि ऐसा लिखा हो कि आपने ऊपर देखा उसमें लिखा हो साइंस और अंदर आपने जैसे खोला तो उसमें लिखा हो हीरा और मोती की, हीरा और मोती दो बैलों की कहानी, ऐसी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो साइंस की बुक है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें आपके स्पेस, स्टार, प्लांट्स, एनिमल, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। कंप्यूटर की बात होगी तो कंप्यूटर में भी आपको जो MS वर्ड है, MS पेंट है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है, फाइल मैनेजर है, कॉमन बेसिक टास्क हैं, ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। सोशल है तो सोशल में आपको जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और सम अदर सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब जिस टाइप का सब्जेक्ट उसमें वैसे ही टाइप का कंटेंट होता है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट लाइन में आपको वो चीज़ लिखनी चाहिए जिससे कि आदमी को बिना पढ़े, यानी ईमेल पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसको वैसे ही आइडिया लग जाए कि ये ईमेल किसके बारे में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट लाइन जो है वो आपका मेन उसमें शो करता है ऊपर एज अ हेडिंग, जिससे पता चल जाता है कि ये किस चीज़। अगर जैसे मैंने सबको फिर वही चीज़, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको ऐसे लिखवाऊंगा, ठीक है, ऐसे मतलब निबंध, तो मैंने आपको बोला मैं निबंध लिखवाऊंगा, निबंध मैंने बोला कि माय बेस्ट फ्रेंड पर, तो मैंने आपको बोला हेडिंग डालो माय बेस्ट फ्रेंड, और जैसे ही आपने हेडिंग डाली मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने डाला और मैंने कहा दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऐसे किस पर लिखने के लिए बोला? मैंने ऐसे बोला था माय बेस्ट फ्रेंड पर, और मैं ऐसे बोल किसका रहा हूँ? दिवाली का या दीपावली का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली होती है कि क्या जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ है। तो आपको सब्जेक्ट लाइन में एक ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं जो आपके पूरे मेल को डिनोट मोटिवेट करें, यानी समझाएँ, वो उसका पर्पस बताएं, ठीक है। यूज़ प्रॉपर सैल्यूटेशन। प्रॉपर सैल्यूटेशन मतलब मेक श्योर योर ईमेल इंक्लूड अ कॉर्टियस ग्रीटिंग एंड क्लोज विद योर नेम एंड सिग्नेचर। यानी कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करना जिससे लगे कि हाँ एकदम खास हो, ठीक है, एकदम खास, जैसे मेरे प्रिय, लाइक दैट माय डियर, ओके, माय डियरेस्ट। तो इस टाइप से आप किसी भी टाइप के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए सामने वाले जो थर्ड जो सेकंड पार्टी है जो पढ़ रहा है ईमेल उसको ये लगे कि हाँ ये सबसे ज़्यादा शुभचिंतक मेरा ही है, मेरे बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। और मैं भी सपोज जैसे आपने मुझे कोई मेल भेजा, ठीक है, तो आप जो मेल भेजोगे तो टीचर के बीच में तो ऐसा नहीं होता, बट आप वहाँ पर वो भेज सकते हैं कि माई फेवरेट टीचर, लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो सकता, सॉरी, आपका जो सैल्यूटेशन होता है वो फेवरेट टीचर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मक्खन लग सकता है, ठीक है। तो मक्खन लगाने के लिए फेवरेट टीचर का यूज़ कर सकते हैं, या अदर कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको लगे कि दिस इज परफेक्ट टू गिव अ प्रॉपर सैल्यूटेशन टू द टीचर और दैट पर्टिकुलर पर्सन,
यूज दैट, ओके, यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करो जिससे सामने वाली पार्टी पिघल जाए, पिघल जाए मतलब बिल्कुल उसको लगे कि अपनापन जैसा महसूस हो, बिल्कुल महसूस ही ना हो कि नहीं सिर्फ एक फॉर्म के लिए, नहीं, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कंसाइज मैसेज, कंसाइज मैसेज मतलब ट्राई टू प्रिसाइज एंड नॉन रिपीटिव व्हाइल यू ड्राफ्ट एन ईमेल, द मैसेज शुड बी टू द पॉइंट एंड मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, यानी कि सिर्फ उतना लिखो जितना ज़रूरत है और वो बातें लिखो जो ज़रूरी हैं, ये नहीं है कि पूरी राम कथा लिख दी, ठीक है। सपोज़ आपको मैं क्या बोल सकता हूँ, सपोज़ जैसे ऐसा मान लीजिए कि आप मुझे आपको मेरा मेल आईडी पता है, आप मुझे डेली मेल करते भी हैं, ठीक है। इसके अलावा सपोज़ आपको फर्दर किसी डाउट के बारे में पूछना है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज़ आपको कोई कंप्यूटर में डाउट है, ठीक है, और आप वो डाउट मेरे सामने क्लियर करना चाहते हैं, बट एनी हाउ आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे हैं, या आपको मेरा फ़ोन नंबर नहीं पता, या आपको मेरा घर नहीं पता, इन दैट कंडीशन ईमेल एड्रेस पता है, तो आप उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर इवन यू कैन आस्किंग फॉर अ, हाँ, यू कैन आल्सो आस्क मी फॉर अ पार्टी, ओके, लाइक अ योर बर्थडे पार्टी, सपोज आपका कोई बर्थडे है एंड यू वांटेड टू इनवाइट मी, आप मुझे इनवाइट करना चाहते हैं, तो इन दैट कंडीशन, या मैं आपको इनवाइट करना चाहूँ, इन दैट कंडीशन हम लोग एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीमेल। और सिर्फ उतने ही लिखो कि सर मेरा बर्थडे है एंड यू आर बीइंग इनवाइटेड, यानी कि आप उसमें आमंत्रित हैं और आपको आना ही है, ये जोर दे के, ठीक है, तो आना ही है। अब इसके अलावा जी मत लिखना कि बर्थडे में सर पाइनएप्पल केक आएगा या चॉकलेट केक आएगा, इसके अलावा सर छोले पूड़े मिलेगी और ये वगैरह वगैरह, मतलब उसे पूरा डिटेल बता दिया, पूरा मेन्यू कार्ड छाप के रख दिया, ऐसा नहीं करना आपको, सिर्फ खाली ठीक है कितने गेस्ट आएंगे, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा, मुझे डिटेल नहीं चाहिए, मतलब मुझे क्या किसी को भी डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ जो पर्पज़ है जिसके लिए भेज रहे हो वो टॉपिक मेन होना चाहिए, सैल्यूटेशन मेन होना चाहिए, और जिस टॉपिक पर बात करना है उस टॉपिक से भटकना नहीं है, सिर्फ उतनी ही बात करके एक कंसाइज मैसेज, यानी छोटा सा मैसेज टाइप करके भेजना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद ये चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तब तो कोई ग्रामर नहीं, कोई कुछ नहीं, बट अगर आप रियली में एक बेटर इंग्लिश लिख कर मुझे मैसेज सेंड कर रहे हैं, या मुझे ही नहीं, देखो मेरे साथ तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर आई एम योर टीचर, अगर आप कहीं मिस्टेक भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं बड़ी ऐसे जगह पर जहाँ पर मिस्टेक अलाउड नहीं है, जैसे सपोज आपने किसी कंपनी की फर्म को कोई आपने मेल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जो मेल भेजना है उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर एक भी मिस्टेक होगी तो उससे होता कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो फांसी भी चढ़ा देगा, लेकिन एक गलत इम्प्रेशन जाता है। सपोज़ अगर मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ और आपने मुझे मेल करा, मैंने आपके मेल को पढ़ा, पढ़ते ही मुझे कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई समझ में आई, या एरर कोई समझ में आया, तो अब डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के नेचर के हिसाब से, ठीक है। अगर वो देख, कुछ लोग होते हैं जो देखते ही समझ जाते हैं कि फ़र्स्ट टाइमर है यानी पहली बार मेल लिख रहा है, तो गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते नहीं, उनको गलती दिखी, उन्होंने तुरंत मेल को डिलीट कर दिया, एंड आफ्टर दैट आपको दोबारा से कहेंगे कि कंपनी को दोबारा से मेल सेंड करिए, आपके मेल में कई सारी मिस्टेक्स थे, तो इसीलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मेक श्योर योर मैसेज डज नॉट कंटेन एनी स्पेलिंग ग्रामर और पंक्चुएशन एरर, ओवरलुकिंग द बेसिस ऑफ राइटिंग लीविंग अ बैड, देखो मैंने कहा था एक बैड इंप्रेशन जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कंपनी वाला तो फांसी भी चढ़ा देगा, सर प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर एक बैड यानी कि गंदा इंप्रेशन जाता है, ठीक है, मतलब मुझे किसी से बात करनी है, बात करने में मैंने उसको मैंने पता चला कि कुछ ऐसी एक लैंग्वेज बोली, सपोज जैसे कि अगर मैं कहीं कॉलेज में जाऊँ या बाहर कहीं अच्छे सिटी में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मैं एडमिशन लूँ और वहाँ पर जाकर मैं कह दूँ काय का कर रहे, तो लाइक वाइज दिस लैंग्वेज इज़ लीविंग अ बैड इम्प्रेशन, ओके, यानी कि इस लैंग्वेज की वजह से ऐसा नहीं है कि वो मुझे फांसी भी चढ़ा देगा या कुछ अलग हो जाएगा, बट ऑल दो फ्रॉम माई फर्स्ट सेमेस्टर टू द लास्ट सेमेस्टर टिल ही जस्ट सिंपली
एम्बेरस मी, यानी हर बार वो मुझे एम्बेरस करेगा जब भी वो मुझे जहाँ पर भी मिलेगा। मतलब सपोज मैंने जिस भी लड़के को मैंने ये बोला कहा कहाँ जा रहे लाइक दैट, वो जब भी मुझे जहाँ पर भी मिलेगा तो वो मुझे इसी वर्ड से चढ़ाएगा या फिर हो सकता है परेशान करे। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी पर किसी के लिए वो बैड इम्प्रेशन, मतलब उसके सामने जाते ही मतलब इज्जत की धज्जियाँ हो जाएँ। हिंदी मतलब ये है। नाउ ऑल कैप्स लॉक, ठीक है, ऑल कैप्स लॉक। नेवर टाइप योर मैसेज इन अपर केस एज इट इंडिकेट येलिंग शाउटिंग एंड एट द वेरी लीस्ट एडिंग एम्फेसिस टू द टेक्स्ट यू टाइप। कभी भी सारे लेटर्स, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि इट इज़ वेरी कूल टू टाइप ऑल द लेटर्स इन अपर केस लाइक द कैपिटल लेटर। ओके, तो ये कोई कूल चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप कैपिटल लेटर्स में सारे लेटर्स को टाइप कर रहे हैं दैट मीन्स आप चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं। यानी जैसे सपोज जब डांट पड़ती है ना, तो डांट पड़ते समय जो घर वाले होते हैं उनकी आवाज़ तेज हो जाती है, होती है। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो यहाँ पर यही दर्शा रहे हैं कि आपकी आवाज़ तेज है, ठीक है, यानी आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। जबकि बॉस, सपोज़ आपको मुझे मैसेज भेजना है, ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ जानकारी नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कैपिटल में भेजो स्मॉल में भेजो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ की जानकारी है और तुम मुझे अगर ऐसे मैसेज भेजते हो देन इट इज़ टू बी सेइंग दैट लाइक यू आर शाउटिंग ऑन मी, यानी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। जैसे सपोज़ तुमने गुड मॉर्निंग सर बोला, तो जो गुड मॉर्निंग सर तुमने अगर कैपिटल लेटर में भेजा तो उसका मतलब तुम चिल्ला के बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सर लाइक दैट, नहीं। और अगर फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज़ कैपिटल दैट मीन्स इट इज़ टू बी अ जेंटल, ओके, यानी कि तुम आराम से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट, ठीक। इसके बाद आगे दिया गया है ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर यानी ऑटो रिस्पॉन्डर टेक टेम्प्रेरी केयर ऑफ योर ईमेल व्हाइल यू आर अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। इट ऑटोमेटिकली कन्वे द मैसेज ऑन योर बिहाफ एंड सेव द टाइम ऑफ रेसिपियंट हु कुड हैव कॉल्ड आर रिपीटेडली इन योर एब्सेंस। ऑटो रिस्पॉन्डर का काम ये होता है कि वो अपने हिसाब से अपने समझ से वह कोई भी मेल को रीड करके उसका एक रिस्पॉन्स सेकेंड पार्टी को भेजता है। जैसे सपोज अब तुमने मुझे मैसेज करा हाय, ठीक है, अब चूँकि मैं तो गया हूँ बाहर या कहीं नीचे हूँ, मैं अपने घर पर मतलब कमरे में नहीं हूँ, ठीक है, और मोबाइल मेरा मेरे कमरे में रखा छूट गया, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपको हाय रिस्पॉन्ड कर देगा, हाय, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब कई बार ऐसा होता ना कि सपोज़ जैसे कई बच्चे होते हैं जिन्होंने गुड मॉर्निंग भेजी, ठीक है, या हाय भेजा या कुछ भी ऐसा भेजा और उसका मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, इन दैट कंडीशन बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं सर अकड़ू हैं या सर मतलब कुछ और टाइप का वर्ड्स ऐसा कुछ ऐसा सोच लेना कि सर ख़राब है बेकार, ऐसा नहीं होता। इन दैट कंडीशन हो सकता है कि मैं वहाँ पर ना मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर ऑटो रिस्पॉन्डर होगा तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आपका गुड मॉर्निंग मैसेज आया तुरंत ही जस्ट बिटवीन 3 to 5 seconds यू गॉट अ हाई मैसेज, ठीक है, फ्रॉम दैट कंप्यूटर इट्सेल्फ, यानी कि अपने आप ही कंप्यूटर जो है वो आपको हाई भेज देगा, ठीक है, ताकि इससे आपको लगेगा कि हाँ कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है या फिर वो टीचर रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। आप लोग कई बार बच्चों की शिकायत आती है कि जो है टीचर हम लोग मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, कमेंट पर कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है, ऐसा नहीं होता है बेटा। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग जब भी कमेंट करते हो तो इन दैट कंडीशन हम लोगों के पास कोई उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, ठीक है, या जब आता है तो वो इतना क्लियरली नोटिफाइड नहीं होता है, नोटिफिकेशन वो बार पे इतना ज़्यादा क्लियरली नोटिफाइड नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग नहीं पहचान पाते कि किसी बच्चे का मैसेज भी आया है। अभी रिसेंटली एक बच्चा है, उसने मैसेज किया, ठीक है, कमेंट किया गूगल क्लासरूम पर, ठीक, कि सर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन मुझे 5-6 दिन बाद मिला, ठीक है। अब 5-6 दिन बाद जब मिला तो मैंने तुरंत उसका रिप्लाई दिया, ठीक है, बुरा मुझे भी लगता है बट स्टिल मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अंदर तो घुस नहीं सकता मैं उसके, या मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूँ कि मुझे पता चल जाए कि हाँ फलाने बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि सर ऐसा ऐसा जानना चाहता है।
इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल क्लासरूम पे कमेंट करने से बेस्ट है कि व्हाट्सअप पर एक छोटा सा मैसेज डाल दो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर कि आप गूगल क्लासरूम पर कमेंट करने से अच्छा व्हाट्सअप पर आप एक मैसेज डाल दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैसेज तुरंत आएगा, साथ में उसका रिस्पॉन्स भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तुरंत नहीं मिलेगा तो उसी दिन में मिल जाएगा, मतलब सपोज़ अगर आपने आज मैसेज किया है, इन दैट कंडीशन यू गॉट योर रिप्लाई टुडे, ओके, यानी आज के आज में ही सारा काम होगा। नाउ यूज़ ऑफ BCC फीचर। अब BCC फीचर क्या है, मेक यूज़ ऑफ BCC मैसेज वाइल सेंडिंग मैसेज टू मल्टीपल यूज़र, यानी कि जब आप एक से ज़्यादा यूज़रों को भेज रहे हों मैसेज तो वहाँ पर आप BCC का यूज़ करें, ओके। BCC स्टैंड फॉर लाइक समथिंग ब्रॉडकास्टिंग वर्ड्स, ओके। ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप, ब्रॉडकास्टिंग होती ही इसलिए है कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक लोग होते हैं, ठीक है, एक लोगों के लिए BCC नहीं, दो या दो से अधिक लोगों के लिए जब लोग मैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है, इन दैट कंडीशन हम लोग BCC का यूज़ करते हैं, ओके। टेक अ लुक बिफोर सेंडिंग अ मैसेज, हाँ ये बात भी बहुत सही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले मैसेज भेज देते हैं, इसके बाद फिर पता चलता है कि अरे मैसेज में तुमने ऐसा कुछ उल्टा सीधा भेज दिया, चूँकि इस व्हाट्सअप ने आपको ये फीचर अलाउ कर दिया है कि आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं जिस ताकि सामने वाली पार्टी पढ़ ना पाए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि, लेकिन मेल में ये सिस्टम नहीं होता, एक बार मेल पहुंच गया दैट मींस अगर आप मेल डिलीट भी कर देते हैं तो सामने वाली पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसके पास मेल पहुंच गया दैट मींस वो जब तक उसको रीड नहीं कर लेगा तब तक तो मेल बना ही रहेगा। तो इन दैट कंडीशन कोई भी मैसेज सेंड करने से पहले चेक कर लें कि क्या ईमेल एड्रेस सही है, क्या आपका सब्जेक्ट सही है, क्या आपका मैसेज सही जा रहा है, मैसेज उतना ही है जितना मुझे भेजना है, फालतू का नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप चेक कर लें इसके बाद ही आप मैसेज को सेंड करें या मेल को सेंड करें, ठीक है। हर बार यही होता है, कई बार ऐसा मैंने देखा है बच्चे जल्दी जल्दी में कोई ऐसा इमोजी सेंड कर देते हैं, ठीक है, पता चल रहा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, वहाँ से कोई लाफिंग इमोजी सेंड हो जाता है, फिर बाद में वो बच्चा उसको डिलीट भी करता है, बट टिल इट इज़ टू मच लेट, ओके, यानी कि तब क्योंकि व्हाट्सअप में क्या होता है, आपने इधर सेंड किया उधर तुरंत मेरे पास आ गया, मैंने तुरंत देख भी लिया, ठीक, जब तक तुम डिलीट करोगे तब तक तो देर हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी मैसेज किसी को भी सेंड करने से पहले खुद चेक कर लें, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती देन यू कैन जस्ट सिंपली टेक अ हेल्प ऑफ योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर और योर मदर और फादर मीन्स गार्जियंस, ओके, आप किसी भी अपने गार्जियंस की हेल्प लेकर के आप उस मैसेज को चेक करवा सकते हैं कि माँ या पापा, भाई बहन, दादा या दादी जो भी हों, तो आप किसी को भी ये चीज़ बता सकते हैं कि ये चीज़ आप चेक कर लीजिए कि सही है या गलत, अगर वो कहें इट्स ओके सेंड कर दो, ओके, तो सेंड बटन पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे, ओके स्टूडेंट्स। सो योर दिस टॉपिक और दिस लेसन इज़ फुल्ली कम्प्लीटेड, ओके, एक्सरसाइज ऑलरेडी सेंडेड इन द गूगल क्लासरूम, यू कैन गेट ऑल द एक्सरसाइज फ्रॉम देयर, एंड आफ्टर दैट ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन will be uploaded to the Google Classroom very soon, so just simply wait for it, okay. Till then just do one thing, that if you are a new viewer in my channel then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly, and if you like this video or my teaching style then you can press simply the like button and also share this video with your friend and colleague so that they can also get such type of wonderful information. So students, stay tuned with me on my channel. Goodbye students.